अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, टेक्निकल गुरु में आपको वेलकम करते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप T4 मोबाइल पर अगर आप सिम डालते हैं, उस सिम डालने के बाद उसको ऑन करते हैं और इसके बाद आपके मोबाइल पर सिम रजिस्ट्रेशन फेल लिखा हुआ आता है या एमरजेंसी या इनवैलिड सिम लिखा हुआ आता है, तो आप किस तरह उसको सिम को वैलिड और सिम रजिस्ट्रेशन फेल को रजिस्टर्ड में चेंज कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, तो साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो चलिए इसको कोड डाल के इसका IME चेंज करते हैं। स्टार हैश 8378#9 ये नहीं हुआ तो एक और कोड ट्राई करते हैं। स्टार हैश 2365 हैश ये भी लगा, एक और करते हैं ट्राई, ये कोड लगा कर देखते हैं। स्टार हैश 0066 हैश ये कोड हमने जैसे लगाया तो उसने अपडेट IME नंबर शुरू कर दिया। तो हम इस हम इसको एक और IME नंबर देते हैं 3522070409249899 से हम ओके करते हैं। अब नीचे वाला IME नंबर चेंज करते हैं, T5 2207095294984 से हम ओके कर देते हैं। और अब हम इस मोबाइल को ऑफ करने के बाद दोबारा ऑन करते हैं। ये देखें दोस्तों, जैसे ही हमने इसे ऑफ करने के बाद दोबारा ऑन किया तो ये इसने सिम उठा लिए जैस के ये शो कर रहा है। हम इसको कॉल मिलाकर हम चेक करते हैं कि ये तो ये कॉल भी ओके हो गई है, कॉल चल रही है। जैसे हमने 123 मिलाया तो ये वो तरीका है जिससे आप आसानी के साथ अपना IME नंबर चेंज कर सकते हैं और अपने मोबाइल को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज ये वीडियो पसंद आई होगी। तो हमारी नई हर नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।